जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक और फिर से एक के साथ डेवलप इंडिया एक्सप्रेस में। दोस्तों, बिहार की शान कही जाने वाली, बिहार की आम जनता की राजधानी कही जाने वाली ट्रेन संख्या 12393 और 12394 जो कि राजेंद्र नगर टर्मिनल से वाया पटना होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय मिर्जापुर के रास्ते जो मात्र स्टॉपेज में दिल्ली तक पहुंचाने वाली ट्रेन, आम जनता की राजधानी कही जाने वाली संपूर्ण क्रांति यह ट्रेन अब मुजफ्फरपुर आने वाली है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुजफ्फरपुर यह ट्रेन कैसे आएगी, लेकिन क्या मुजफ्फरपुर जंक्शन संपूर्ण क्रांति आ सकती है, इसके लिए हम आपको बताएंगे पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। कुछ ही दिन पहले राजेंद्र नगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस जो तेजस राजधानी बन गई है, इसको मार्ग परिवर्तित कर चलाने के लिए कई तरह के मांगे उठी है, लेकिन अब जो मांग उठ रही है वो है कि संपूर्ण क्रांति को लेकर के है। संपूर्ण क्रांति राजेंद्र नगर से नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर से चलाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन अभी भी रेल मंत्री से रेलवे की ओर से कोई भी सूचना जारी नहीं हुआ है। यह एक पत्र के माध्यम से मुजफ्फरपुर के सांसद जी ने यह मांग की है रेल मंत्री से कि संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को मुजफ्फरपुर से चलाया जाए। क्या है इस मांग में हम आपको बताते हैं। उन्होंने यह इस पत्र में यह लिखा है कि दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार को जोड़ने वाली गंगा नदी पर पहलेजा से पटना के बीच करोड़ों रुपए की लागत से रेल पुल का निर्माण कराया गया है, लेकिन उपरोक्त जिलों के यात्रियों को जो अपेक्षित सुविधा मिलनी चाहिए थी वह मिल नहीं रही है। ऐसे परिस्थिति में राजेंद्र नगर से पटना जंक्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय मिर्जापुर होते हुए कानपुर के रास्ते दिल्ली तक आने वाली या फिर जाने वाली गाड़ी संख्या 12393 और 94 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को राजेंद्र नगर के बजाय उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर स्टेशन से चलाया जाए, जो कि हाजीपुर के रास्ते पाटलिपुत्र दानापुर के रास्ते दिल्ली तक परिचालन हो, जिससे मुजफ्फरपुर जिले के यात्रियों को जो दिल्ली से मुजफ्फरपुर जाने में 18 घंटे की बजाय 13 घंटे लगेगा, यानी 5 घंटे के समय का बचत होगी, और साथ ही पटना से यात्रा करने वाले यात्री पटना के स्थित पाटलिपुत्र स्टेशन या फिर दानापुर स्टेशन से इस गाड़ी को पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो मांग है यह सांसद जी का है, देखते हैं क्या मुजफ्फरपुर से चलाने की स्वीकृति मिलती है कि नहीं संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस राजेंद्र नगर से ही चल रही है और उत्तर बिहार के कई सांसद जी ने बहुत सारी ट्रेनों को जो पटना से चल रही है उनको मुजफ्फरपुर या फिर दरभंगा तक खींचने की बात कही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इन सारी ट्रेनों का एक्सटेंशन मुजफ्फरपुर जंक्शन तक होना चाहिए, यह बात आप कॉमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यह छोटी सी रिपोर्ट अगर पसंद आता है तो अवश्य लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर से किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।